बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और टैगोर टाउन के अधिशासी अभियंता के बीच विवाद में दोनों तरफ से एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन पूरे मामले में सुरेंद्र चौधरी का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थन में शहर उत्तरी के बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, पूर्व विधायक दीपक पटेल और कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने डीएम संजय खत्री से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। सुरेंद्र चौधरी ने डीएम से अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल की कई शिकायतें की और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। पूरा समाप्त। वो भ्रष्टाचार अधिकारी जो मनोज अग्रवाल था, मुझे तो बाद में पता चला, हमारे हर्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सुनील द्विवेदी जी हैं, आज दीपक जी हैं, हमारे गुरु प्रसाद जी हैं, तमाम लोग सभी संगठन के पदाधिकारीगण हैं। हम लोगों के यह मकसद नहीं है कि हमारे प्रदेश के जो हमारा सरकार है उनमें कोई भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ कई जांचें बैठी हुई हैं। तो उसी के संदर्भ में आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग यहाँ मिलने आए थे कि आखिर में जो दोनों तरफ से एफआईआर हो गया तो अभी तक उसको हटाया क्यों नहीं गया। मैं उनको तमाम सबूत तथ्य दिया हूँ जिससे कि वो पहले भी उसके खिलाफ जांच हो रहा है। 2018 से यहाँ पड़े हुए हैं, ये चल रहा 2022, अभी तक नहीं हटा। तो आश्वासन दिया गया कि सस्पेंड भी होंगे, इनके खिलाफ जांच भी होगा। उधर मारपीट साबित करने के लिए वीडियो एविडेंस की जरूरत पड़ने के बाद पुलिस ने कुछ मोबाइल से डेटा रिकवर करने की कोशिश भी की, लेकिन अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली। इस मामले में सुरेंद्र चौधरी के समर्थन में बीजेपी के नेताओं ने आने से अधिशासी अभियंता और बिजली विभाग के कर्मचारी नाराज हैं। पहली बात, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा बस एक सिंपल पॉइंट था डीएम साहब के पास कि एक तरफ बिना एविडेंस के वो लोग कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं, ये गलत है, और दूसरी तरफ एक वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल पोजीशन है कोर्ट्स की कि तीन केसेस में महिला उत्पीड़न, माइनर का उत्पीड़न और एससी का उत्पीड़न, इस तीन केस में अगर आरोपी अपनी बात पे पीछे नहीं जा रहा है तो उसकी स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाएगा। तो हमारे इस ग्राउंड पे कार्रवाई हो, हम लीगल पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर उनकी लीगल पोजीशन कहती है कि बिना एविडेंस के कार्रवाई हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए, और हमारी पोजीशन क्लियर है। माइनर, उन्होंने गाली गलौज की है, उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए हैं, तो माइनर, महिला और एससी के खिलाफ अगर इस तरह का काम होता है तो जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को एविडेंस माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है।